ओके सो लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली आई थिंक वी हैड अ लेक्चर क्वाइट अ फ्यू डेज बैक. इट्स बीन मोर देन 3 वीक्स नाउ. आई थिंक वी हैड अ लेक्चर ऑन 3rd मई या 4th मई एंड वी स्टार्टेड विद दिस टॉपिक ऑफ पर्सपेक्टिव ड्राइंग्स. ऑलराइट, सो व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल गिव अ क्विक रीकैप टू दिस टॉपिक बिकॉज व्हाट हैपेंड इज इन द लास्ट 2-3 डेज आई रिसीव्ड अ फ्यू कॉल्स एंड अ फ्यू ईमेल्स फ्रॉम योर बैच कि ये वाला टॉपिक थोड़ा सा सर लाइक समझ में नहीं आया. वी आर नॉट एबल टू गेट व्हाट द कंटेक्स्ट इज. So what I'll do is I'll give a very quick recap to the topic. We'll talk about one point perspective today, perspective drawing today, and we'll shift into 2 point perspective drawing as well. All right. So before I begin the topic, let's go back to some of the images that I showed you when I began this topic. All right. So this is the topic of perspective drawing. So perspective drawing में मैंने आपको कुछ चीजें highlight पहले ही कर दी थी कि अभी तक जितना भी आप लोगों ने पढ़ा था वो सारा कुछ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस में चल रहा था. जब हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस की बात करते हैं उसमें हम बात करते हैं कि आपकी रेज ऑफ साइट जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है आपके प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को और एक दूसरे के पैरेलल होती है. पर ये नोशन अब पर्सपेक्टिव ड्रॉइंग्स में आके नहीं चलती. यहाँ पे आके ये नोशन हम डिमोलिश कर देते हैं. और वो डिमोलिश क्यों करते हैं? क्योंकि जो आपकी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस हैं या हमने आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स बनाई हैं, जो भी हमने अभी तक पढ़ा था वो सारा कुछ रिप्रेजेंटेशन पर्पसेस के लिए था. ऑलराइट, बट जो अब हम अभी पढ़ने वाले हैं दैट इज पर्सपेक्टिव ड्राइंग. दिस इज एक्चुअली हाउ अ ह्यूमन आई परसीव्स द थिंग्स. के ह्यूमन आई भी जब कोई अब जो भी मैं व्यू देखता हूँ अपनी आंखों से दैट इज एक्चुअली अ पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन. मेरी आईज भी वही नजर से देखती है. सो ये पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन होती क्या है इसको समझने के लिए मैंने आपको कुछ सीरीज ऑफ इमेजेस दिखाई थी जिसको हम थोड़ा सा रिपीट करते हैं ताकि आप थोड़ी और क्लैरिटी से समझ पाओ. बिकॉज ये टॉपिक थोड़ा सा टफ है इन कंपैरिजन टू ऑल द टॉपिक्स दैट वी हैव स्टडीड सो फार. ये थोड़े इसके क्योंकि हमारे फंडामेंटल्स और बेसिक्स जो है वो बदल जाते हैं, कुछ नई टर्मिनोलॉजीज इंट्रोड्यूस हो जाती है. सो ये एक इमेज थी जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई थी. आई होप यू गाइज कैन सी द इमेज. कोई कंसर्न तो नहीं है? कैन यू जस्ट टेल मी येस और नो? कैन यू सी दिस इमेजेस लाइक इमेज विद द लैंप पोस्ट? यस सर. ऑलराइट, सो ये इमेज मैंने आपको दिखाई थी और मैंने आपको कहा था कि अगर आप इस इमेज को देखना शुरू करते हैं तो आपको दिखेगा कि एक लैंप पोस्ट है, उसकी एक हाइट है, उसका आपको एक मेजर मिल रहा है बेसिकली. पर जैसे ही आप नेक्स्ट लैंप पोस्ट को देखना शुरू करते हैं आपको लगता है कि लगता है, होता नहीं है, लगता है ऐसे कि बेसिकली लैंप पोस्ट की हाइट घटती जा रही है. कि ये बेसिकली एक लाइन है, यहाँ से अगर मैं टॉप से देखूं लैम्प पोस्ट के, जो बेसिकली कन्वर्ज करती जा रही है और इसकी हाइट लैम्प पोस्ट की डिक्रीज करती जा रही है और जाते 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 कहीं हवा में वैनिश हो जाती है. आई एम यूजिंग द वर्ड वैनिश, गायब हो रही है कहीं ना कहीं. और बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है. बट अगर आप कहीं वॉक करने जाओ ऐसी सिचुएशन में यू विल एक्चुअली एक्सपीरियंस दिस सॉर्ट ऑफ अ थिंग. ऐसे ही मैंने आपको एक और एग्जाम्पल दिखाई थी. मैंने कहा था रेलवे ट्रैक्स का एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप रेलवे ट्रैक्स के ऊपर आप भी ऐसे अगर खड़े हो, लेट अस अज्यूम ये पिक्चर नहीं भी है, आप भी अगर रेलवे ट्रैक्स के ऊपर खड़के देखोगे आपको ये विड्थ लगेगी, लेट अस से 2 मीटर्स है, आपको लगेगा ये विड्थ 2 मीटर्स नहीं, ये 1.8 है. थोड़ा आगे जाके आपको लगेगा यहाँ से खड़े हुए देखते हुए, आप खड़े यहीं पे हुए हो लेट से फर्स्ट ट्रैक पे, आपको लगेगा ये डिस्टेंस जो है वो 1.2 हो गया. और धीरे 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 जाते आपको लगेगा ये दोनों रेलवे ट्रैक्स की जो ये बेसिकली रेल्स हैं ये कन्वर्ज हो गई और वैनिश हो गई एक पॉइंट के ऊपर. ऑलराइट, ऐसा होता नहीं है बट ऐसा लगता है. ऑलराइट, सो ये प्रैक्टिकली हम सारी चीजें फील करते हैं. सो यही चीजों को बेसिकली जो पेंटर्स होते हैं या जो ड्राइंग आर्टिस्ट होते हैं वो भी इन कंसेप्ट को यूज करते हैं, पर्सपेक्टिव ड्राइंग के कंसेप्ट को. तो यही कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पे पहले जो पिक्चर में बताया यहाँ पे आपको एक ड्राइंग के मतलब थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यही आपके रेलवे ट्रैक्स हैं. जब किसी ने इसे ड्रॉ भी किया ना तो यहाँ पे लेट अस अज्यूम उसने ये लेंथ को अगर 2 मीटर रखा है, यहाँ पे उसने इसको 1.8 कर दिया, इसको 1.6 कर दिया एंड सो ऑन, और जाते जाते एक रेड पॉइंट पे जाके कन्वर्ज कर दिया जिसे वो बोल रहा है वैनिशिंग पॉइंट. और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर दिया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को ये बोलते हैं होराइजन. हम इसे और भी एक्सप्लोर करेंगे टेक्निकल टर्म्स में. पर ये होराइजन क्या होता है? ये एक तरह का, ये जो होराइजन लाइन है ना आप इस तरह से समझो ये एक प्लेन है जो इनटू द स्क्रीन जा रहा है, तो वो लगेगा तो एक लाइन की तरह. सो ये आपकी आईज के बिल्कुल पैरेलल है, ऐसे समझना इसे, आपकी आईज के बिल्कुल पैरेलल एक प्लेन है जो स्क्रीन के अंदर जा रहा है, जो अभी फिर अगर आप देखोगे तो लगेगा तो लाइन की तरह. उसे हम होराइजन लाइन बोलते हैं या होराइजन प्लेन बोलते हैं. ऑलराइट,
इसी को हम आगे भी अगर जाके एक्सप्लोर करें, आप देख सकते हो कि किसी ने एक और ड्राइंग बनाई है जिसके अंदर जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइंस को उसने एक वैनिशिंग पॉइंट के अंदर कन्वर्ज किया है, उसने पोल्स को भी यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया। मैंने इसमें सिर्फ एडिशन क्या किया है, इस इमेज और इस इमेज के अंदर मैंने वर्टिकल लाइंस को भी ले लिया, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस को कन्वर्ज किया, यहाँ वर्टिकल लाइंस को भी मैं कन्वर्ज करके उसी पॉइंट पे लेके जा रहा हूँ जिसे मैं वैनिशिंग पॉइंट बोल रहा हूँ। वही होराइजन है, वही होराइजन लाइन है, और बेसिकली कन्वर्जेंस हो रही है। सो वैनिश हो रही है एक जगह पे जाके। ऐसी एक और ड्राइंग भी देख लेते हैं जिसमें बेसिकली मैंने अब फर्दर थोड़ा सा और इलैबोरेटिव एक ड्राइंग चुनी है, जिसमें आप देख सकते हो जो भी यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइंस दिख रही है ना, दे आर नॉट स्ट्रेट लाइंस, आई वुड से लाइंस दिख रही है यहाँ से, चाहे ये ब्रिक्स वाली लाइन देखो, चाहे यहाँ पे ये बेसिकली यहाँ पे ये फेंस वाली लाइन देखो, चाहे ये बेसिकली ट्रीज वाली लाइन देखो, आप कोई भी लाइन को फॉलो करने की कोशिश करो, वो जाके यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में कन्वर्ज हो रही है एक वैनिशिंग पॉइंट के ऊपर। इस चीज को हम पर्सपेक्टिव व्यू बोलते हैं। इसी को फर्दर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाने के लिए हम आगे देखते हैं। इस ड्राइंग को दिखाने का पर्पस क्या है, ये रियलिस्टिक ड्राइंग्स है, इसको देखने के बाद मतलब लगता है कि हाँ एक्चुअली सिनेरियो ऐसा ही होगा। ऑलराइट, यहाँ पे भी अगर एक किसी पर्सन ने कोई बिल्डिंग्स का अगर स्केच बनाया है, यहाँ पे इंटेंशनली ये लाइंस उन्होंने डाल दी और आपको दिखा दिया कि ये भी जाके एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है जिसे हम वैनिशिंग पॉइंट बोल रहे हैं, चाहे वो रोड वाली यहाँ पे फुटपाथ की लाइन है, रोड की लाइन है, बिल्डिंग्स की लाइन है, बिल्डिंग के जो एजेस हैं या विंडोज की लाइन है, हर चीज एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, आपको दिख रहा है। ऐसे ही यहाँ पे एक हॉलवे की ड्रॉइंग किसी ने बनाई है। इस स्केच के अंदर भी आप ध्यान से देखो, आपको पहले लगेगा कि ये वाले जो अलमिराज हैं, ये सेट ऑफ अलमिराज थोड़े इनकी हाइट ज्यादा है, इसकी हाइट कम है, इसकी हाइट कम है, और इस तरह से बनाया गया कि कोई भी लाइन, चाहे वे फ्लोर की लाइंस हो गई, चाहे बेसिकली आपके यहाँ से ये वाली लाइंस हो गई, दे ऑल यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे रूफ लाइट्स हैं, एवरीथिंग इज कन्वर्जिंग टू दिस पॉइंट व्हिच इज आई एम कॉलिंग एज द वैनिशिंग पॉइंट। और एक वन लास्ट पॉइंट भी देख लेते हैं, प्रैक्टिकल सिनेरियोज में भी अगर कोई फोटोग्राफर भी फोटो खींचता है, आप ये वाला एक रनवे देख लो बेसिकली, जैसे लेट्स से अगर आप दिल्ली जाते हो, वहां पे आपको ऐसी सिचुएशन बहुत दिखती है सीपी के अंदर कनॉट प्लेस पे, तो अगर वहां से भी उसने कोई पिक्चर लिया, आप ध्यान से देखो ये रेड लाइन से मैंने ड्रॉ करके आपको हाईलाइट करने की कोशिश क्या की है, हर लाइन जाके कन्वर्ज ना हो रही है एक वैनिशिंग पॉइंट पे, और ये रियल सिनेरियो है, ये बात को समझना है। सो ये आइडिया है कि हमें क्यों पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन पढ़ना चाहिए। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस, जो भी हम बात करते थे, दे वर बेसिकली फॉर रिप्रेजेंटेशन पर्पस, किसी प्रोडक्ट को अच्छे से दिखाने के लिए, ये आपका रियल सिनेरियो को डिपिक्ट करने का आइडिया है। और यहाँ पे एक डिफरेंस और समझना है अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग, कि आपके जो रेज ऑफ साइट परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, वो फंडामेंटल छोड़ देते हैं। एक बात ये भी है कि यहाँ पे आपको ट्रू लेंस नहीं मिलती ज्यादातर। आपकी जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने का हमारा रीजन क्या होता था, जब हम फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, सॉरी फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बनाते थे कि हमें ट्रू लेंस मिले, बट यहाँ पे आके आई होप यू अंडरस्टैंड, आपकी ट्रू लेंस का कंसेप्ट जो है ना वो थोड़ा सा अब खत्म हो गया, क्योंकि आप रियल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हो। अगर अब ये वैनिशिंग पॉइंट आ गया बीच में, तो आपको अब ट्रू लेंस नहीं मिलेगी। सो आई होप ये सारी पिक्चर्स के थ्रू आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग रहा है कि मैं ये पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ, ये मेरी पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन बनाने के में मुझे हेल्प करता है। So with this idea, let's move to the PPT, ठीक है? Quickly run it down and reach the state जहाँ पे हमने छोड़ा था ये topic. So basically, हमने ये वाली एक फोटो भी देखी थी मैंने, जिसमें आपको बताया था कि ये लास्ट सपर लियोनार्डो दा विंची की ये पेंटिंग है, आई थिंक इट इज समवेयर अराउंड 1400s और 1500s की पेंटिंग है। उस टाइम पे भी उन्होंने ये पेंटिंग जब ड्रॉ की है, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन का यूज किया था। किस तरह से यहाँ पे वैनिशिंग पॉइंट, आपसे मैंने वैसे पूछा भी था, आप लोगों ने करेक्टली आइडेंटिफाई भी कर लिया था, हमारा वैनिशिंग पॉइंट अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे कोई भी लाइन, चाहे ये रूफ की लाइन है, चाहे बेसिकली यहाँ पे ये टेबल के एज की लाइन है, कोई भी लाइन अगर आप यहाँ से, ये बेसिकली वॉलपेपर की लाइन है, एवरीथिंग इज कन्वर्जिंग ऑन टू अ पॉइंट विच इज ऑन द फेस ऑफ जीसस क्राइस्ट, वो है आपका वैनिशिंग पॉइंट। ऑलराइट, सो अब ये सारी आइडियाज के बाद अब आ जाओ टेक्निकल बात करते हैं कि आप ये ड्राइंग्स को बेसिकली परसीव कैसे करते हो, समझते कैसे हो, क्योंकि ये सारे टेक्निकल टर्म्स को आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी आप ये ड्राइंग्स को बना पाओगे। सो हमने बेसिकली यहाँ पे इस स्क्रीन के ऊपर क्या देख रहे हैं, एक है आइसोमेट्रिक व्यू, एक है पर्सपेक्टिव व्यू। आई एम होपफुल कि आप सबको समझ आ रहा होगा कि दोनों में बड़ा डिफरेंस जो है ना वो बड़ा क्लियर कट दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पे आपकी ट्रू लेंस दिख रही है, चाहे मैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग की बात करूं, चाहे मैं आइसोमेट्रिक व्यू की बात करूं, दोनों में आपको बेसिकली फिर भी एक सेंस ऑफ ट्रू लेंथ मिल जाता है, व्यू में रिड्यूस्ड मिलता है,
बट ये लेंथ जो है रिड्यूस होने के बाद भी स्केल डाउन वर्जन है, नथिंग बियॉन्ड दैट। पर यहाँ पे जब मैं देख रहा हूँ पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन को, यहाँ पे ऐसी बात नहीं रही, यहाँ पे ये लेंस जो है एक दूसरे का स्केल डाउन वर्जन नहीं लग रही, अब सिनेरियो थोड़ा बदल गया। तो यहाँ वन पॉइंट पर्सपेक्टिव का मीनिंग क्या होता है? वन पॉइंट पर्सपेक्टिव का मीनिंग होता है कि आपकी जो एक वैनिशिंग पॉइंट होगा और उस वैनिशिंग पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी लेंस जो है वो वेरी करेंगी। ऑलराइट, वन पॉइंट पर्सपेक्टिव का मीनिंग क्या हुआ? एक वैनिशिंग पॉइंट होगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक साइड की डायरेक्शन की जो लेंस है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये डायरेक्शंस। इफ यू आर नॉट एबल टू गेट डायरेक्शंस तो वो टू पॉइंट पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा वन पॉइंट पर्सपेक्टिव है जिसमें बेसिकली मेरे पास एक वैनिशिंग पॉइंट है, मेरे पास टू पॉइंट पर्सपेक्टिव भी है जिसमें एक वैनिशिंग पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा वैनिशिंग पॉइंट यहाँ पे है। सो इस साइड की जितनी भी लेंस है वो ये वैनिशिंग पॉइंट कंट्रोल करेगा और इस डायरेक्शन की जो भी लेंस है वो ये तरफ का वैनिशिंग पॉइंट कंट्रोल करेगा। इसी तरह से एक तो हो गया आपका बेसिकली डेप्थ, एक हो गई आपकी बेसिकली विड्थ, एक हो गया आपका हाइट। अगर हाइट की तरफ भी आपके पास एक वैनिशिंग पॉइंट आ जाता तो आप उसे बोलते थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव। पर इस कोर्स के अंदर हम सिर्फ टू पॉइंट पर्सपेक्टिव तक ही रुक जाते हैं, हम इससे आगे नहीं जाते। जो एक्चुअल ड्राइंग सिनेरियोज होते हैं, ड्राइंग आर्टिस्ट होते हैं, उनके पास वैसे फोर पॉइंट पर्सपेक्टिव तक जाने का तरीका भी होता है। टू बी रियलिस्टिक, यस, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पसेस, बट हम इस कोर्स के अंदर टू पॉइंट पर्सपेक्टिव पे ही रुक जाते हैं। तो यहां तक किसी को कोई डाउट? किसी तरह का कोई भी डाउट अभी तक? ये जस्ट एक क्विक रीकैप चल रहा है पुराने कंसेप्ट्स का। ऑलराइट, सो आई होप यहाँ पे आपको क्लैरिटी से पता लग रहा होगा कि आपका वन पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है, सॉरी वन पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू क्या होता है, टू पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू क्या होता है, आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है। ऑलराइट, यहाँ पे आने से पहले अब वी नीड टू अंडरस्टैंड सम बेसिक टर्म्स। जब मैं आपको वन पॉइंट पर्सपेक्टिव पढ़ाना चाहता हूँ, इससे पहले थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स हैं जो पता होनी चाहिए, बिकॉज आपके जो क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करते हैं पर्सपेक्टिव ड्राइंग के लिए वो शायद थोड़ा स्टेटमेंट फॉर्म में होते हैं। कुछ हम डिस्टेंसेस की बात करेंगे, कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे, सो ये चीजें पता होनी चाहिए। ऑलराइट, सो लेट मी स्विच बैक टू दिस। या सो यहाँ पे ना, जस्ट गिव मी वन सेकेंड, ये वाला हम बेसिकली एक स्लाइड है जो हमने लास्ट टाइम भी देखा था। आई होप ये इंपॉर्टेंट टर्म्स वाला स्लाइड सबको दिख रहा है। कैन यू जस्ट कंफर्म एनीवन? यस सर। राइट, सो यहाँ पे आपकी कुछ टर्मिनोलॉजी है, ये डायग्राम से आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपको टर्मिनोलॉजी में दिख क्या क्या रहा है पहले उसे समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर प्लेन की बात की है, एक हॉरिजॉन लाइन की बात की है, एक ग्राउंड लाइन की बात की है, एक स्टेशन पॉइंट की बात की है, एक फ्रंट व्यू है, एक वैनिशिंग पॉइंट है। अब वन एक एक करके हम समझते हैं ये है क्या। पहले मैं बात करता हूँ पिक्चर प्लेन की। जब मैं बोलता हूँ पिक्चर प्लेन होता क्या है? पिक्चर प्लेन एक तरह का इमेजिनरी वर्टिकल ट्रांसपेरेंट प्लेन है ऑन विच द ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड एंड द पर्सपेक्टिव व्यू इज फॉर्म। आई रिपीट अगेन, पिक्चर प्लेन इज एन इमेजिनरी वर्टिकल ट्रांसपेरेंट प्लेन ऑन विच द ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड एंड द पर्सपेक्टिव व्यू इज फॉर्म। ये एक तरह का ट्रांसपेरेंट प्लेन है, वर्टिकल प्लेन है, इसके ऊपर ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट किया गया। ऑलराइट, और इसके ऊपर हम अपना पर्सपेक्टिव व्यू बनाएंगे। ये आपका पर्सपेक्टिव व्यू बना हुआ है, इसको पहले ये समझ लेना। यहाँ पे फ्रंट व्यू को प्रोजेक्ट किया है और पर्सपेक्टिव व्यू पूरा बनाया हुआ है। सो ये पिक्चर प्लेन, वर्टिकल प्लेन। ऐसे ही आपका एक ग्राउंड लाइन और ग्राउंड प्लेन की बात करते हैं। ग्राउंड प्लेन ये वाला हिस्सा, ये पूरा हिस्सा जो नीचे ग्रीन कलर में है, डार्क ग्रीन, ये ग्राउंड प्लेन हो जाएगा। ऑलराइट, और ये ग्राउंड प्लेन जो नीचे वाला प्लेन है जहां पे इसने पांव रखे हुए हैं, वो प्लेन और पिक्चर प्लेन जहां इंटरसेक्ट करते हैं तो एक लाइन के ऊपर करेंगे जिसे हम ग्राउंड लाइन बोलेंगे। आई रिपीट अगेन, नीचे ये पूरी चीज को ग्राउंड प्लेन बोलते हैं और जहां पे पिक्चर प्लेन जो कि एक वर्टिकल प्लेन है, ग्राउंड प्लेन जो कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो लाइन को मैं बोलूंगा ग्राउंड लाइन। सो टेक्निकल टर्म्स में बात करें, ग्राउंड प्लेन इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑन विच द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। ठीक है, सो आपके ग्राउंड प्लेन के ऊपर ये ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है। द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राउंड प्लेन विद द पिक्चर प्लेन इज नोन एज ग्राउंड लाइन। तो ये ग्राउंड लाइन हो जाएगी आपकी। अब इसी के साथ आपका एक आ जाता है स्टेशन पॉइंट। स्टेशन पॉइंट बहुत सरल बात है, जहां पे आपका ऑब्जर्वर खड़ के आपके ऑब्जेक्ट को देख रहा है वो स्टेशन पॉइंट हो जाएगा। द ऑब्जर्वर इज कैरेक्टराइज्ड एज द स्टेशन पॉइंट and the location of the observer is marked as the station point in particular. All right,
अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है हॉरिजन लाइन। अगर आपको याद हो, ये हॉरिजन लाइन है, और मैंने आपको यहाँ पे क्या समझाया था, ये बेसिकली एक प्लेन है। आप ऑब्जर्वर के बेसिकली आईज के थ्रू जब देखोगे, ऑब्जर्वर की आईज के थ्रू ये एक प्लेन है जो इनटू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन है। बेसिकली इनटू द स्क्रीन एक प्लेन है, बट वो दिखेगा कैसे, एक लाइन की तरह, तो वो हॉरिजन लाइन हो जाती है। और हॉरिजन लाइन के ऊपर ही आपका वैनिशिंग पॉइंट लाई करता है। वैनिशिंग पॉइंट वो जहां पे आपके ये प्रोजेक्टर्स आके कन्वर्ज करेंगे। सो ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसमें बेसिकली आपको अगर इसका टॉप व्यू दिखा दूं तो उससे और क्लैरिटी आ जाएगी। ये आपका स्टेशन पॉइंट हो जाएगा, ये आपका पिक्चर प्लेन है, हम टॉप व्यू से देख रहे हैं, तो ये आपका टॉप व्यू हो जाएगा। टॉप व्यू ऐसे दिख रहा होगा, ये पिक्चर प्लेन को इस तरह से टच कर रहा है, ये बात को समझना जरूरी है। यहाँ पे फ्रंट व्यू के अंदर आ रहा है आपका बेस, फ्रंट व्यू पिक्चर प्लेन के अंदर आ रहा है, और यहाँ पे टॉप व्यू पिक्चर प्लेन को टच कर रहा है। आपका फ्रंट व्यू ग्राउंड प्लेन को टच कर रहा है या ग्राउंड लाइन के ऊपर बना है, ये थोड़ी से आइडिया इसको ना कैप्चर करो। फ्रंट व्यू ग्राउंड लाइन को टच कर रहा है, ग्राउंड प्लेन के ऊपर प्लेस्ड है। आपका टॉप व्यू पिक्चर प्लेन को टच कर रहा है और ऊपर से ऐसे दिख रहा है। सो यहाँ पे एक समझने वाली बात क्या है कि ये कुछ डिस्टेंसेज हैं, ये स्टेशन पॉइंट से ये डिस्टेंस अगर वेरी करोगे आपका पर्सपेक्टिव व्यू बदल जाएगा। आप अगर स्टेशन पॉइंट को वेरी करोगे, यहां ना रह के कहीं इधर उधर हो जाओगे, तो आपका पर्सपेक्टिव ड्राइंग का शेप बदल जाएगा। इसको कहने का मीनिंग क्या है कि अगर मैं तीन स्टूडेंट्स को ये ड्राइंग बनाने के दूं, पर्सपेक्टिव ड्राइंग, और बोल दूं कि एक स्टूडेंट स्टेशन पॉइंट ये कंसिडर करे, एक स्टूडेंट स्टेशन पॉइंट यहाँ कंसिडर करे, एक स्टूडेंट स्टेशन पॉइंट यहाँ कंसिडर करे, और अब इसी ड्राइंग को बनाओ, पर्सपेक्टिव ड्राइंग को, तीनों स्टूडेंट्स के आंसर डिफरेंट आएंगे। आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। एनीवन हैविंग एनी डाउट्स? नो सर। इफ नॉट, सो लेट्स स्विच बैक टू द प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो हमने बेसिकली लास्ट टाइम ये स्टार्ट कर लिया था, विच इज द कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर फॉर वन पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग। सो ये प्रोसीजर को थोड़ा याद रखना पड़ेगा, इस बात को अंडरस्टैंड करो। ऑलराइट, देर आर सम पार्ट्स दैट यू नीड टू रिमेम्बर, और ये टर्मिनोलॉजीज ये क्लियर होनी चाहिए क्या मीन करती है। सो दिस इज क्वेश्चन वन। ऑलराइट, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, इससे हमें आइडिया लगेगा क्वेश्चन अप्रोच कैसे करना है। सो पहली बात यहाँ पे समझने वाली चीज ये है, जो पोर्शन ब्लैक में है ये आप डेफिनेटली ड्रॉ करोगे। ऑलराइट, जो पोर्शन ब्लैक में दिए हुए हैं ये डेफिनेटली आप ड्रॉ करोगे। जो पोर्शन ब्लू में दिया हुआ है, दैट इज द आइसोमेट्रिक व्यू जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पज है। ये आप ड्रॉ करो या ना करो ये आपकी मर्जी है, पर मेरा सजेशन रहेगा ये जरूर ड्रॉ करो, ये नंबरिंग जरूर लगाओ। बिना इस नंबरिंग के, बिना इस ऑर्थोग्राफिक आइसोमेट्रिक व्यू के, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सो एक रफ स्केच बनाना है, बट यहाँ पे याद क्या रखना है, कल आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे एग्जाम के अंदर, अगर आपने सिर्फ ये ड्रॉइंग बना के छोड़ दी और आइसोमेट्रिक व्यू बना के आए हो, वी विल नॉट गिव यू मार्क्स फॉर ड्रॉइंग द आइसोमेट्रिक व्यू। ठीक है, ये सिर्फ रेफरेंस पर्पजेस के लिए है, और उसका रेफरेंस पर्पज क्यों है वो आपको समझना चाहिए। अब दूसरी बात, यहाँ पे क्वेश्चन जो है दो फॉर्म में दिया जा सकता है, या तो आपको स्टेटमेंट फॉर्म में होगा, आपको बेसिकली फ्रंट व्यू और टॉप व्यू जो है वो दे दिया जाएगा, कि जैसे आपको यूजली प्रोवाइड किया जाता है, और कहा जाएगा कि आप पर्सपेक्टिव इसका व्यू बना के हमें दीजिए, और उसके साथ कुछ स्टेटमेंट्स होंगी कि बेसिकली आपके डिस्टेंसेस कितने हैं। मैं अभी बता देता हूँ कौन से डिस्टेंस और क्या, आपका स्टेशन पॉइंट कहाँ पे है, स्टेशन पॉइंट का डिस्टेंस कितना है ग्राउंड लाइन से, एंड ऑल दोस थिंग्स। दूसरा फॉर्म ऑफ क्वेश्चन क्या हो सकता है, जो ये ब्लैक ड्राइंग सामने आपके दी हुई है, शायद यही ड्राइंग आपको दे दी जाए। ऑलराइट, डिपेंडिंग अपॉन हाउ डिफिकल्ट द क्वेश्चन इज, उसके अकॉर्डिंग डील किया जाता है। सो ये पोर्शन ब्लैक कलर का पूरा दिया जा सकता है, और फिर आपको कहा जाएगा कि बेसिकली आप अपना पर्सपेक्टिव ड्राइंग बना के कीजिए। सो इसीलिए ये टर्मिनोलॉजीज का पता होना जरूरी है। नाउ टेकिंग द फर्स्ट पार्ट, जहां पे स्टेटमेंट के फॉर्म में होगा, सो उसके अंदर यू विल बी प्रोवाइडेड विद सम डिस्टेंसेस। कौन कौन से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कि बेसिकली आपका प्रोफाइल प्लेन का, पिक्चर प्लेन का डिस्टेंस हॉरिजॉन लाइन से कितना है, आपका हॉरिजॉन लाइन का डिस्टेंस आपके ग्राउंड लाइन से कितना है, ये डिस्टेंसेस आपको दिए जाएंगे। ऑलराइट, ये पार्ट को समझना जरूरी है। और यहाँ पे दो चीजें और ध्यान से समझ लो, जो मैंने आपको वो पिक्चर के थ्रू भी समझाई थी, जहां पे वो कलर्ड सा फोटो था, पर्सन खड़ा हुआ है, कि आपका फ्रंट व्यू जो है वो ग्राउंड लाइन के ऊपर बनेगा इसको टच करते हुए, ये चीज को इग्नोर नहीं करना। आपका टॉप व्यू जो है वो पिक्चर प्लेन को यहाँ पे टच करते हुए बनेगा,
इस बात को भी नहीं भूलना, ठीक है। ये दो चीजें बड़ी जरूरी हैं, अगर इनको फॉलो नहीं करोगे आपकी ड्राइंग ठीक नहीं आएगी। ये दोनों चीजें यहाँ टच कर रही होनी चाहिए। ये कौन सा वाला फेस है बेसिकली, ये वाला फेस है, ऑलराइट। अगर किसी को समझने में दिक्कत आ रही है, ये फ्रंट व्यू का ये वाला फेस है, तभी यहाँ पे 5-6 लाइन आपको यहाँ से दिख रही है, ऑलराइट। ये आपको बेसिकली 5-6 लाइन यहाँ से दिख रही है, ये वाली लाइन है ये, ऑलराइट। ये वाली लाइन है नीचे जो यहाँ पे टच कर रही है। जब मैं ऊपर से देख रहा हूँ ये 4, 5, 3, 2, 1, 6, ये कौन सी लाइन है? इसको मैं अगर दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करूं, ग्रीन कलर, मैं ये चीज को ऊपर से देख रहा हूँ, ऑलराइट। ये वाली लाइन हो गई, ये वाली लाइन हो गई और ये वाली लाइन हो गई, ऑलराइट। ये लाइंस यहाँ पे दिख रही है। किसी को अगर समझने में दिक्कत, ग्रीन ग्रीन ऊपर से देख लो, ये रेड वाला जो पोर्शन है वो नीचे से है और इस फेस की बात हो रही है। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी आ चुकी होगी। एक छोटा सा पॉइंट और है कि आपको ये भी प्रोवाइडेड होगा कि आपका स्टेशन पॉइंट कहाँ पे है, मीनिंग यहाँ एक तो ये लोकेशन बताई जाएगी और एक ये डिस्टेंस बताया जाएगा या ये आपको दे दिया जाएगा। नाउ इन वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर कुछ प्रोवाइडेड नहीं है तो आपको रफ ये एक रिप्रेजेंटेशन याद करनी होगी, जिसके अंदर आपको पता है सबसे पहले पिक्चर प्लेन आएगा, उसके नीचे सीक्वेंस सेम है, उसके नीचे हॉरिजॉन लाइन आएगी और फिर सबसे नीचे ग्राउंड लाइन आएगी। ये डिस्टेंसेस को थोड़ा अप्रोप्रिएट आप लेके चल सकते हो, जिसके अकॉर्डिंग आपका बेसिकली जो ड्रॉइंग है वो आ जाए, ऑलराइट। और ये स्टेशन पॉइंट भी आपको लेके चलना है एक साइड पे, चाहे तो इस साइड बना लो स्टेशन पॉइंट, अगर इस साइड रखोगे तो ड्रॉइंग यहाँ बनेगी, ऑलराइट। अगर ये स्टेशन पॉइंट यहाँ पे रखोगे तो ड्रॉइंग यहाँ पे बनेगी, ये बात को भी अंडरस्टैंड करना है। इस चीज को समझने के लिए मैं स्विच करके आपको दिखा भी देता हूँ। अगर ऑब्जर्वर इधर खड़ा है, स्टेशन पॉइंट इस तरफ, आपकी ड्रॉइंग इस तरफ बनेगी, ऑलराइट। ये आपको थोड़ा क्लैरिटी में दोबारा दे देता हूँ, इस पे जब आएंगे, वेट अ सेकंड, ऑलराइट, सो आई विल जस्ट क्लियर दिस, ऑलराइट, ओके। सो जब हमारे पास स्टेशन पॉइंट आ जाता है, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने आइसोमेट्रिक व्यू बना रखा है, इसके अंदर जाके हम टॉप व्यू और इन दोनों को देखते हैं और देखते हैं कि बेसिकली कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे पिक्चर प्लेन को टच नहीं कर रहे, ऑलराइट। कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो पिक्चर प्लेन को टच नहीं कर रहे? वो है बेसिकली 12, 7 यहाँ पे, 8, 9 पीछे, 10, 11 पीछे के तीनों पॉइंट्स आपके पिक्चर प्लेन को टच नहीं कर रहे। जो भी ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके पिक्चर प्लेन को टच नहीं कर रहे, आप स्टेशन पॉइंट से उनको ज्वाइन करना शुरू कीजिए। ये प्रोसीजर है, इसे याद रखना है, मेन बात ये है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बेसिकली हम कुछ भी कर सकते हैं, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, इसे याद रखना है। स्टेशन पॉइंट से आप 7, 12 को ज्वाइन कीजिए, स्टेशन पॉइंट से आप 9, 8 को ज्वाइन कीजिए, स्टेशन पॉइंट से आप 10, 11 पॉइंट को ज्वाइन कीजिए। ये लाइंस को थोड़ा लाइट रखना, ठीक है। अगर आप मैनुअल ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, इन लाइंस को थोड़ा सा आपको लाइट रखना है। कौन सी लाइन को डार्क करना मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे एक इसके बाद वी विल टॉक अबाउट दिस वैनिशिंग पॉइंट अ बिट लेटर। सो ये लाइन तीनों रेड लाइंस पे फोकस करते हैं अभी। अब जहां पे ये लाइंस आपकी बेसिकली पिक्चर प्लेन को कट करते हुए जा रही हैं, कहां पे? एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, जहां पे भी ये तीनों पॉइंट्स आ रहे हैं आपके, फॉर एग्जाम्पल दिस, इसको आप बोलते हो पियर्सिंग पॉइंट्स। ये बेसिकली आपके प्रोजेक्शंस हैं, 7, 12 की प्रोजेक्शन पिक्चर प्लेन पे यहाँ पे आ गई। सो अब 7, 12 यहाँ पे हो गया, 9, 8 की प्रोजेक्शन पिक्चर प्लेन पे यहाँ आ गई, तो अब 9, 8 पॉइंट यहाँ हो गया, 10, 11 की प्रोजेक्शन अब यहाँ आ गई और 10, 11 पॉइंट अब यहाँ पे आ गया, क्योंकि अब हमें हमारे पॉइंट्स मिल गए, बाकी की लाइंस को आप फेड ऑफ कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, कुछ इस तरह से। सो मुझे ढूंढना क्या था, स्टेशन पॉइंट की हेल्प से टॉप व्यू के अंदर मैंने वो पॉइंट्स को पकड़ा जो पिक्चर प्लेन के ऊपर लाइन नहीं कर रहे, उनको बेसिकली ज्वाइन कर दिया, और जहां पे आके वो कट करते हैं पिक्चर प्लेन को, वो उनकी मेरे को मिल गई प्रोजेक्शंस, जिन्हें मैं बोलता हूँ पियर्सिंग पॉइंट्स। तो अब स्टेशन पॉइंट का काम खत्म। स्टेशन पॉइंट का काम होता है टॉप व्यू से सारे उन पॉइंट्स को पकड़ना। अब स्टेशन पॉइंट से अगर आप परपेंडिकुलरली आगे जाते हो और हॉरिजन लाइन को कट करते हो, आपको वैनिशिंग पॉइंट मिलता है। ये बात हम उस ड्रॉइंग से भी समझ गए थे कि हमारा वैनिशिंग पॉइंट हमेशा हॉरिजन लाइन के ऊपर लाई कर रहा होता है, ऑलराइट। सो ये वैनिशिंग पॉइंट मिल जाता है। जब वैनिशिंग पॉइंट आ गया, वैनिशिंग पॉइंट जो भी डीलिंग करेगा वो करेगा फ्रंट व्यू की आपकी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के साथ। ये बात को हमेशा ध्यान रखना है, स्टेशन पॉइंट डील करता है सारी चीजें जो भी हैं टॉप व्यू के अंदर।
वैनिशिंग पॉइंट जो है वो डील करता है सारी चीजें जो है आपके फ्रंट व्यू के अंदर, पर मेजरली जो सब हेडिंग है अभी हम वन पॉइंट परस्पेक्टिव प्रोजेक्शन के अंदर है, ये सारी चीजें यहाँ पे ट्रू है, टू पॉइंट के अंदर हो या ना हो बिकॉज उसका प्रोसीजर ही अलग है। ऑलराइट, सो वैनिशिंग पॉइंट का अब हम यूज करने वाले, हम क्या करेंगे वैनिशिंग पॉइंट को एक एक करके कनेक्ट करना शुरू करेंगे हमारे फ्रंट व्यू के जितने भी पॉइंट्स हैं, वर्टिसेस हैं उनके साथ। फॉर एग्जांपल हम वैनिशिंग पॉइंट से एक लाइन लगाएंगे पॉइंट सिक्स तक, हम वैनिशिंग पॉइंट से एक लाइन लगाएंगे पॉइंट वन तक। जब हमने इतना ड्रॉ कर लिया अब हम यूज करेंगे हमारे पियर्सिंग पॉइंट्स का। ये रेड वाला जो पॉइंट है जो यहां से आ रहा है ये बेसिकली क्या है, ये प्रोजेक्शन है आपके पॉइंट 712 की पिक्चर प्लेन के ऊपर। अब यहां से हम अपना एक परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर नीचे गिराएंगे कुछ इस तरह से। अब जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा हम रीड करेंगे अपनी आइसोमेट्रिक व्यू को कि वन यहाँ पे था, सिक्स यहाँ पे था, वन यहाँ पे था, सिक्स यहाँ पे था, सिक्स के बाद क्या आता है 12। सो 12 हमारा प्रोजेक्टर ये 712 वाला, सो यहाँ पे बेसिकली मुझे 7 और 12 मिल जाते हैं। अगर मुझे 7 और 12 मिल गए तो मैं अपनी ड्रॉइंग को पूरा करना शुरू करता हूँ कुछ इस तरह से। सो मुझे मेरा ये वाला फेस जो है ये 1 6 12 7 वाला, 1 6 12 7 वाला वो यहाँ मिल जाता है। ऑलराइट, जैसे ये मिल गया अब हम एक एक करके वैनिशिंग पॉइंट से यहाँ पे वर्टिसेस कनेक्ट करते जाएंगे, ऊपर से हम अपने वही प्रोजेक्टर्स नीचे गिराते जाएंगे और हम देखते रहेंगे कौन से पॉइंट्स हमारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से रीडेबिलिटी आती रहेगी। अभी आपको शायद लग रहा होगा कि ये पॉइंट्स को देखने का इतना क्या फायदा हो रहा है, आपका क्वेश्चन जैसे ही कॉम्प्लेक्स होता जाएगा आपकी डिफिकल्टी थोड़ी बढ़ती जाएगी। सो उसको कैप्चर करने के लिए ये उसको मतलब थोड़ा सा इजी वे में डील करने के लिए ये पॉइंट्स आपको जेन्युइनली बहुत हेल्प करते हैं, तो इनको डेफिनेटली मार्क आउट करना। सो अभी वैनिशिंग पॉइंट से आप एक प्रोजेक्टर गिराओ, वो प्रोजेक्टर गिरेगा जाके टू वर्टेक्स पे। ऑलराइट, और फिर अब यहाँ से 9 8 पॉइंट जो है वहां से एक प्रोजेक्टर हम परपेंडिकुलरली नीचे गिराते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे 2 मिल चुके हैं, 1 मिल चुके हैं, 7 मिल चुके हैं। कहाँ पे हमें 2 मिल चुके हैं, 1 मिल चुके हैं, 7 मिल चुके हैं, मैं 8 ढूंढना चाहता हूँ और मुझे पता है कि 9 8 पॉइंट ये रेड कलर का जो पियर्सिंग पॉइंट है यहाँ पे होता है, तो मैं इसे नीचे गिरा देता हूँ। जैसे ही नीचे गिराऊंगा तो मुझे क्या मिल जाता है 0.8। जैसे ही मुझे 0.8 मिल गया तो मैं ये वाला जो 2 1 7 8 इसे कंप्लीट कर सकता हूँ क्योंकि मुझे चारों वर्टेक्स मिल गए मेरे। सो 2 8 8 7 7 1 पूरा हो गया। सो ये फेस भी मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, वैनिशिंग पॉइंट से 0.3 को कनेक्ट करूंगा। जैसे ही मैं वैनिशिंग पॉइंट से 0.3 को कनेक्ट करूंगा मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने 8 तो यूटिलाइज कर लिया था, 9 यूटिलाइज नहीं हुआ, और यहाँ पे आके मैं देख रहा हूँ कि 3 2 8 9 होगा, तो 3 2 8 ये 0.9 होने वाला है। सो जैसे ये पॉइंट मिल जाएगा मैं कनेक्ट करूंगा 3 और 9 को और 9 और 8 को, ये फेस भी मिल गया। अब जैसे ये फेस मिल गया वैनिशिंग पॉइंट पे वापस आएंगे, वैनिशिंग पॉइंट से कनेक्ट करेंगे 0.4 को, और यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्टर कौन सा ऊपर बचा हुआ है 10 11 वाला। हमने 7 12 यूटिलाइज कर लिया, 8 9 यूटिलाइज कर लिया, 10 11 वाला पियर्सिंग पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से परपेंडिकुलर गिराएंगे नीचे। जैसे ही इसे नीचे गिराएंगे हमें पता है ये 4 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 0.10 होगा। सो ये 0.10 हो जाएगा और इसे कनेक्ट करके फेस मिल जाएगा। इसके अंदर हम कोई हिडन लाइंस को ड्रॉ नहीं करते जिसके कारण 0.11 जो है वो अनयूटिलाइज्ड है और हमें वो पता है वो नीचे कहीं मिल जाता है ऐसे। But we do not need it because we are not supposed to draw hidden lines. तो यहां तक किसी को कोई डाउट? किसी भी चीज को लेके कोई कंसर्न, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन? So, जो 10 और 9 वाली लाइन जो ज्वाइन कर रही 10 और 9 को, that is not straight, right? जी, वो tilted है ना वो? बिल्कुल भी, हाँ हाँ tilted है। वही मैंने आपको एक स्टेटमेंट स्टार्टिंग में दिया था ना कि बेसिकली जो आपकी आइसोमेट्रिक व्यूज हैं, जो आपके ऑर्थोग्राफिक व्यूज हैं, उनके अंदर जब हम बनाते हैं हमारा ध्यान क्या रहता है, हम परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर्स की बात क्यों करते हैं उनके अंदर। यहाँ पे अगर आप एक चीज और नोटिस करो, कोई भी प्रोजेक्टर यहाँ से जो वैनिशिंग पॉइंट से स्टेशन पॉइंट से हम परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर्स तो ले ही नहीं पा रहे है ना। सो वो परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर्स इन व्यूज के अंदर लेने का रीजन क्या होता था, क्योंकि हम ट्रू डायमेंशंस ढूंढना चाहते हैं, वी वॉन्ट ट्रू डायमेंशंस। बट यहाँ में इस चीज के अंदर टू डायमेंशंस नहीं होती। रीजन भी क्या है, क्योंकि आपको जैसे मैं ये वाली सारी सॉरी जस्ट वन सेकंड
जैसे ये सारी पिक्चर्स दिखा रहा था, क्योंकि ये पर्सपेक्टिव ड्राइंग है, इसके अंदर भी आपको ये सारी चीजें जो है ट्रू डायमेंशंस कहीं नहीं मिल रही। ध्यान से देखो, रेलवे टैक्स वाली एग्जांपल अगर हम रिवाइज करें, हमने क्या पढ़ा था अभी तक, ये मैं बोलता था 2 मीटर है या 1.8 है, 1.6 है, पर एक्चुअली में ऐसा तो नहीं है ना, ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, पर देखने में ऐसा लगता है कि ये कम है। तो वही चीज आपको अब यहाँ पे फील हो रही है, आपका बेसिकली जो ये वाली चीज जो आप बात कर रहे हो कि वो या तो थोड़ी टिल्टेड लग रही है, या बेसिकली वो आपको थोड़ी सी शॉर्टर इन डायमेंशन लग रही है, ये सारी चीजें पर्सपेक्टिव ड्राइंग का पार्ट है। तो यहाँ ट्रू डायमेंशन नहीं मिलती आपको। सर, मतलब बेसिकली हम 9 नंबर पॉइंट को ड्रॉ किए बिना 10 वाली 10 9 वाली लाइन ज्वाइन नहीं कर सकते हम, हाँ ऑटोकैड की नहीं, तरह अगर हम। मुश्किल है। हाँ मुश्किल है, आपको बेसिकली ये जो पॉइंट्स है ना, एक साइड पकड़ लो, ऐसा मत करना कि एक लाइन इधर लगा दी, एक लाइन इधर लगा दी, उसमें फंस जाओगे। जो भी ड्राइंग शुरू कर रहे हो, एक साइड से शुरू कर लो, ये रूल ऑफ थंब है। 95% केसेस में ये सही रहेगा, कहीं कहीं जाके शायद वेरी भी कर सकते हैं, पर आप मान के चलो कि एक साइड से हम शुरू करेंगे, ऊपर से भी एक साइड से शुरू करेंगे, और वहां से हम पॉइंट्स लेंगे। देखो आइडिया तो लग जाता ना कि मुझे यहाँ 7 और 12 चाहिए, यहाँ पे 7 और 12 यहाँ पे है, तो मैं यहाँ से ऊपर से शुरू करूं और यहाँ 12 6 से ज्वाइन करना शुरू करूं। सो वो थोड़ा सा रफ आइडिया आपको लेना पड़ेगा, इसीलिए इसकी जरूरत है। अब आप इमेजिन करो, अगर ये ड्राइंग में हटा दूं, आपको ये बनाने में बहुत डिफिकल्टी होगी, चाहे जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लो। ये वाली थोड़ी सिंपल है, बट जैसी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड वाली आएंगी, यू विल बी स्टक। सो ये ना जल्दी से रफ बना लेना कहीं पे भी, ताकि ये पॉइंट्स की मार्किंग चाहिए हमें मेजरली, हमें इसके अंदर कोई टू डायमेंशन और वो ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा रफ डायग्राम बना लो जिसके अंदर ये पॉइंट्स मिल जाए जल्दी से, तो ये पॉइंट्स को यहाँ से कैप्चर करना इजी हो जाता है। ऑलराइट, सो किसी और का कोई डाउट? सर, द डिस्टेंस बिटवीन द ग्राउंड लाइन एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन जी सर, हाँ जी हाँ जी सो द डिस्टेंस बिटवीन द ग्राउंड लाइन एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द होराइजन लाइन एंड द होराइजन लाइन एंड द पिक्चर प्लेन, विल दे बी आर्बिट्री और सम डायमेंशंस टू बी फॉलोड? दे विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन द क्वेश्चन। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, जब हम स्टार्ट करने वाले थे, दो सिनारियोज हैं। एक सिनारियो ये है कि जिसके अंदर हम बेसिकली आपको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू प्रोवाइड कर देंगे, और हम कुछ स्टेटमेंट्स में ये डिस्टेंसेज आपको बता देंगे कि द डिस्टेंस बिटवीन द पिक्चर प्लेन एंड द हॉरिजन लाइन इज दिस मच, एंड द हॉरिजन लाइन एंड द ग्राउंड लाइन इज दिस मच। एक सिनारियो तो वो हो जाता है कि आपका फ्रंट व्यू टॉप व्यू आपको दे दिया गया, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन आपको दे दिए जाते थे, और कुछ स्टेटमेंट्स हैं। दूसरा सिनारियो है कि शायद ये वाला पूरा ब्लैक कलर में जो भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है ना, फ्रंट व्यू जहां से हमने स्टार्ट किया था, इफ आई गो बैक फॉर यस एग्जांपल, यस सर, ये लेट्स से दिस, जस्ट डिलीट एवरीथिंग माइनस द ब्लू पोर्शन, दिस माइट बी गिवन टू यू। ऑलराइट, ऑलराइट, सो ऐसे ओके हाफ सर, हार्टेड क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको काफी हद तक सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। एंड देन आई ऑल्सो मेड अ थर्ड सिनेरियो वेयर आई सेड वर्स्ट केस, अगर ये सब कुछ नहीं दिया हुआ, सो यू हैव टू कैप्चर एवरीथिंग इन सच अ वे, रफ आइडिया बनाते हुए। अब आपको फुल ड्राइंग तो पता लग गई ना कि कहाँ पे बन रही है, एक रफ आइडिया, यस जैसे सर, क्वेश्चन जब स्टार्ट हुआ था तब नहीं पता था, तो अब आपको एक रफ आइडिया है कि मैं कितना डिस्टेंस में हूं, तो बात बन जाएगी, ठीक है। यस सर, बट वो थर्ड वाला आई डोंट थिंक सो ऐसा होगा, बिकॉज ये पहली टफ होता है, बिकॉज 2 पॉइंट इससे भी थोड़ा टफ है, सो वी यूजली प्रोवाइड ऑल द डेटा। थैंक यू सर। सो एनी मोर क्वेश्चंस, कोई और डाउट पूछ लो, कोई डाउट है, ये वाला टॉपिक टफ है, ठीक है, इसका ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, तो मतलब लगता है कि हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चंस थोड़े से, क्योंकि यूजली आपको पता है मैंने किसी और टॉपिक को टफ नहीं बोला, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ऑलराइट, वी स्टिल हैव 5 मिनट्स। हाँ जी बोलिए सर। कैन दिस लाइंस बी एट सम एंगल आल्सो, ग्राउंड लाइन, पिक्चर प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल? नो 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 नो, दे विल बी इन दिस सीक्वेंस ओनली, सबसे पहले पिक्चर प्लेन, हॉरिजन लाइन, ग्राउंड लाइन, एंड दे आर हॉरिजॉन्टल लाइंस। इसमें कोई वो मतलब वो वाली कोई इशू नहीं है। They will be horizontal and this is the sequence. इसको ऊपर नीचे करोगे फर्स्ट आओगे। So do remember this template. ठीक है? Yes sir. All right. Okay. So यहाँ पे we'll just do one example for one point perspective.
Now let's move to two-point perspective, क्योंकि वो ज्यादा important है, उसमें ज्यादा questions बनते हैं और उसका procedure भी different है, alright? So two-point perspective में पहली बात, I hope अब सबको यहाँ पे two-point perspective दिख रहा होगा, alright? ये buildings की line converge कर रही है, एक vanishing point यहाँ पे है और दूसरा vanishing point यहाँ पे है. So इसमें हम दो तीन questions आपको मैं attempt करके दिखाऊंगा, क्योंकि उससे थोड़ी clarity बढ़ती है. मैं बड़ा सिंपल क्वेश्चन लूंगा पहले, ताकि आपको थोड़ा प्रोसीजर समझ आ जाए, फिर उसके बाद थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हम एक दो करके देखेंगे, क्योंकि इसमें ना फंडामेंटल्स ज्यादा है इस कंसेप्ट के अंदर. सो फॉर एग्जांपल, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता, हम सिर्फ इसका पर्सपेक्टिव व्यू बनाने की कोशिश करेंगे, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, आज देखते हैं जितना भी कवर होता है. बट दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, वेरी सिंपल कॉन्फ़िगरेशन. अब जो अभी किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे आके थोड़ी सी वो स्टेटमेंट्स को मैं चेंज करने वाला हूँ. जो भी अभी तक मैंने बोला है, प्लीज रिमेम्बर वो सारा वन पॉइंट पर्सपेक्टिव को बोला था, अब टू पॉइंट पर्सपेक्टिव में आके मैं कुछ बातें बदलने वाला हूँ. ऑलराइट, यहाँ पे आपको दिया होगा क्वेश्चन फ्रंट व्यू टॉप व्यू, ऑलराइट, और आपको बोला जाएगा इसकी पर्सपेक्टिव ड्राइंग बनाइए. ये डिस्टेंसेस हो सकता है शायद हम आपको ना दें, ये थोड़ा सा अब आपको इमेजिनेशन से लेने पड़ेंगे, पॉसिबिलिटी है दे भी सकते हैं. ऑलराइट, प्रोसीजर थोड़ा सा समझ लेते हैं कि डिफरेंसेस कहाँ आ रहे हैं वन पॉइंट और टू पॉइंट के अंदर. पहली चीज है कंसिस्टेंट क्या है, पिक्चर प्लेन की लाइन है, हॉरिजन लाइन है, ग्राउंड लाइन है, तीन चीजें तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास है यहाँ पे. ऑलराइट, और क्या चीज सेम है, फ्रंट व्यू है, टॉप व्यू है, वो भी सेम है. फ्रंट व्यू में हमारा जो बेसिकली ये वाला फेस है, ये 2 1 4 3, मैं इसको बेसिकली यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, और मैं देख सकता हूँ कि ये 3 4 वाला जो बेसिकली मेरा है, और पीछे जो बेसिकली 8 7 पॉइंट्स हैं, ये यहाँ पे टच कर रहा है ग्राउंड लाइन को. ऑलराइट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन. पर जब मैं टॉप व्यू को देख रहा हूँ, टॉप व्यू के अंदर मैंने एक मतलब अगर देखा जाए, टिल्टेड करके ये 1 4 वाली जो लाइन है, इसके ऊपर अपना ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट करवा दिया, एक वर्टेक्स के ऊपर, और वो भी कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के ऊपर. एक एंगल मैंने लिया हुआ है 30 डिग्री, एक एंगल मैंने लिया हुआ है 60 डिग्री. अब ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको खुद विजुलाइज करना पड़ता है कि कौन सा एंगल मुझे 30 डिग्री लेना चाहिए, कौन सा एंगल मुझे 60 डिग्री लेना चाहिए. ऑलराइट, आई थिंक वी जस्ट हैव 1 or 2 minutes, सो आई जस्ट पोज दिस क्वेश्चन टू यू. आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको क्या लगता है कि 30 डिग्री और 60 डिग्री, इनको अगर स्विच किया जाए, फायदा मिलेगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता? Will we get a very significant advantage if I switch the angles? Instead of taking 30 this side and 60 this side, I reverse it. Let's take 60 this side and let's take 30 this side. Or I rephrase the question. Do you feel like कि ये 30-60 वाला जो है, इसका importance है? चाहे question जब बदल जाएगा, 30-60 हमें कहाँ पे लेना चाहिए? ये कैसे पता लगा करेगा हमें? हमारा object अभी simple है, तो अभी फिर भी थोड़ा clear cut view मिल रहा है. अगर complicated questions हो, किस साइड 30 लिया जाए, किस साइड 60 लिया जाए? Depends on the length of the side. Which side? सही अप्रोच कर रहे हो? Which side? से वो जो लंबा वाला साइड है उसका एंगल थोड़ा कम हो, पर जो छोटा साइड है उसका एंगल थोड़ा. Yes, correct. ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं और इलैबोरेट करता हूँ. आपने एक जो अप्रोच है वो सही है आपकी, कि इट विल डिपेंड नॉट ऑन द साइड, आपके फीचर्स कैसे हैं. जिस साइड पे ज्यादा फीचर्स दिख रहे होंगे, उस साइड पे हम 30 डिग्री का एंगल लेंगे, ताकि यहाँ से जब हम प्रोजेक्शंस गिराएंगे, अगर यहाँ से मैं कुछ लाइंस को गिराता हूँ, हम बेसिकली पियर्सिंग पॉइंट्स वगैरह लेते थे ना, अगर आपको याद हो, तो मैं यहाँ से कुछ अगर लाइंस गिराने की कोशिश करूंगा, लेट अस से मैं इस तरह के कोई प्रोजेक्टर्स अगर नीचे लूंगा, आप देख सकते हो ये डिस्टेंस ज्यादा है और ये डिस्टेंस कम है. सो ज्यादा डिस्टेंस के अंदर मैं अपने फीचर्स को अच्छे तरह से दिखा पाऊंगा, और यहाँ पे अगर फीचर्स कम है तो मेरे को यहाँ पे कम डिस्टेंस में उसको मतलब दिखाने में कोई फायदा नहीं. सो जिस साइड पे ज्यादा फीचर्स है, उस साइड पे 30 डिग्री का एंगल कंसिडर किया जाएगा. ऑलराइट, विल बेसिकली स्टार्ट विद दिस कॉन्सेप्ट टुमारो एज वेल, इसको एक दो एग्जाम्पल्स लेके एंड करने की कोशिश करेंगे, बट आज के लिए इतना ही, ठीक है. टुमारो विल ट्राई टू कम्प्लीट द टॉपिक, ताकि आपका बाई वीकली का तैयारी हो जाएगा टाइम. Alright, so I'll end the lecture. Sir, bi-weekly ka syllabus. Alright, thank you, sir. Bi-weekly ka syllabus aapka, I think, is par hai auxiliaries and section of solids. Aapka auxiliary pehle to nahi hua na?
नहीं हुआ सर। आई थिंक हाँ सेक्शन ऑफ सॉलिड्स मुझे याद है, मैं कल आपको कंफर्म कर देता हूँ, मैं लास्ट टाइम आपको बताया भी था, इट ऑल्सो स्किप माई माइंड। सेक्शन ऑफ सॉलिड्स पक्का है, आई थिंक इट इज ऑक्सिलरी, बिकॉज आपका पहले क्या हुआ था, आइसोमेट्रिक एंड ऑर्थो हुआ था ना? यस सर। इस बार आई थिंक ऑक्सिलरी और सेक्शन ऑफ सॉलिड्स है, मैं कल आपको स्टार्ट ऑफ द लेक्चर कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है? सो बाईवीकली विल बी दिस सैटरडे? नॉट श्योर, अभी हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई, मतलब कोई सेशनल्स का कुछ डिसीजन नहीं लिया हुआ, अभी जब को सारे इंस्ट्रक्टर्स की मीटिंग होगी ना उसमें क्लैरिटी आ जाएगी, बट जो मैंने अभी जो स्टेटमेंट दिया, मेरा आइडिया कि आप पर्सपेक्टिव प्रैक्टिस करके रखो, कोई सिलेबस चेंज ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, लाइक यू गाइस शुड बी रेडी, बट ट्रस्ट मी आई थिंक बाई वीकली टू इज ऑक्सिलरी एंड सेक्शन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है? बट आई विल कंफर्म मोस्ट ऑफ द थिंग्स बाय टुमारो, डेट का भी फाइनल नहीं है, वो जो भी होगा मैं आपके सीआर शिवम को बता दूंगा, ठीक है? ऑलराइट, ओके, वी कैन एंड द लेक्चर, ऑलराइट, थैंक यू गाइस।